नमस्कार। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को प्राइम टीवी की तरफ से ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक विविधताओं का देश भारत, जहां गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है, जहां हर तरफ त्योहारों की धूम है, भाईचारे के साथ हर त्योहार मनाया जाता है। हमारे देश में हर एक त्योहार की अपनी मान्यता है और अपना ही महत्व है। इन्हीं पर्वों की श्रृंखला में ईद का भी अपना महत्व है। देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ खुशियों का माहौल, एक महीने का रोजा, ईदी का इंतजार और आ गया ईद का त्यौहार। ईद उल फितर का त्यौहार एक ऐसा है जो रमजान के महीने पूरे होने पर मनाया जाता है। ईद उल फितर के साथ ही रोजे खत्म हो जाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के बाद शवाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है और सुबह की नमाज से इसकी शुरुआत की जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईद का त्यौहार बहुत ही पवित्र माना जाता है। ईद उल फितर और ईद उल जहा भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। ईद मनाने से पहले एक परंपरा निभाते हैं जिसे फितरा कहा जाता है। इस परंपरा में ईद मनाने वाला हर शख्स अपने पास से गरीब को कुछ अनाज देता है ताकि वो भी ईद खुशी और उत्साह से मना सके। मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार ईद का त्यौहार खुशी और जीत में मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बद्र के युद्ध में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को सफलता मिली थी, तब लोगों ने पहली बार खुशी में ईद उल फितर मनाया था। तब से लेकर हर मुस्लिम इस त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। वैसे तो ईद खुशियाँ मनाने के लिए एक पवित्र त्यौहार है, लेकिन इसे मनाने के कुछ नियम भी हैं, जिसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इस दिन की शुरुआत सुबह उठकर फज्र की नमाज पढ़ने से होती है। फिर स्वयं की साफ सफाई करके, साफ कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर, कुछ खाने वाली चीज का सेवन करके ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ा जाता है। इस नमाज को खुले में ही पढ़ा जाता है। इस दिन ईदगाह से आने और जाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग राहों का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से ईद का त्यौहार काफी फीका पड़ा हुआ था। बाजारों से रौनक गायब थी। हालांकि इस बार कोरोना के मामले में गिरावट आई है। यही वजह है कि अब ईद मनाने का उत्साह लोगों में भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज देश में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।